अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऊंट की जालियां साफ करना सिखाएंगे। ये देखिए, ये ऊंट की जालियां जो है सब गंदी हुई हैं, फुल ग्रीस से भरी हुई हैं। इनको उतार देंगे अब हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने ग्लव्स पहन लेने हैं। ये कास्टर सोडा हमने लिया है, जो आपको आसानी से किसी भी परचून की शॉप से मिल जाएगा। 50 रुपये का एक पाव आया है। और ये हमने साथ में टॉन्ग्स लिए हैं ताकि हम लोग इसको होल्ड कर सके पानी के अंदर। अब आपने सबसे पहले एक गर्म पानी कर लेना है अपने पास, एक देशकी में और एक छोटी सी बाल्टी के अंदर उसको उंडेल देना है। हम गर्म पानी उबलता हुआ इस बकेट में डाल रहे हैं। सोडा अब हम गर्म पानी में डालने लगे हैं। ये आपके हाथों पे नहीं लगना चाहिए, ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। हम लोग ये जालियां अंदर डाल देंगे इसके, ये दूसरी भी। और अब हमने 5 मिनट वेट करना है। ये देखिए, अब ऐसा ऐसा पानी गंदा होना शुरू हो गया। अब हम लोग इसको इस टोंग के हेल्प से इसको निकालेंगे। इसको हमने कोई 5 से 10 मिनट इसके अंदर भिगो के रखना है। जब तक ये साफ नहीं होता, ये देखें ये पीछे से कैसे साफ हो गया। ये देखें साफ होना शुरू हो गया ऑलमोस्ट। इसको हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए भी इसके अंदर नहीं रख छोड़ना, क्योंकि ये स्टील है। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो ये सड़ भी सकता है, बिल्कुल काले कलर का स्टील चेंज हो जाएगा। ये देखें कैसा साफ हुआ है। अब हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ से अभी इसको अंदर डाल देंगे। दूसरे को भी सेम वैसे ही करेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो इस टाइम पे आप किचन से बाहर आ जाएं किसी ओपन स्पेस पे, क्योंकि कास्टिंग सोडा जो है जब ये पानी में गर्म गर्म जाता है तो इससे भी गैस उठती है, जो अगर इंडोर होगा तो वहाँ पे आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। देखिए, आपको 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, अभी भी ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से गंदा है, तो इसको हम दोबारा डाल देंगे अभी, और 1-2 मिनट और रखेंगे। अब दूसरे को चेक करते हैं। ये देखिए, ये अभी भी यहाँ से गंदा है। इसको फिर अगेन दोबारा अंदर डालेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे। अब हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट कितना अच्छा साफ हो गया। इसको आप रिपीट कर सकते हैं जब तक ये पूरा साफ ना हो, इसी पानी में भिगो के रख सकते हैं। देखिए, अब ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गया। अब हम एक एक करके निकालेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा साफ हो। ऐसे ही अब हम दूसरा भी निकाल लेंगे। अब हम इसको एक दफ़ा साफ पानी से रिंस करके एक दफ़ा पानी साफ पानी मार के इसको वापस लगा देंगे। हम इन जालियों पे पानी मार लेंगे एक दफ़ा, और ये ग्लव्स उतार लेंगे क्योंकि ये ग्रीसी हुए हैं। अब हम लोग इसको वापस लगा देंगे। अब दूसरे की बारी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।